हेलो दोस्तों, आज मेरा फार्म के साइज और ग्रोथ आप देख पा रहे हो। सब एक ही साइज की है दोस्तों, एक ही साइज की, एक ही लेवल की है। सब देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना? तो इसका मतलब इसमें मेंटेनेंस जो था इसके चूजे की, वो बहुत ज़्यादा किया हूँ मैंने। सही देखभाल किया हो इसका मतलब, ठीक है ना दोस्तों? तो आप भी सही देखभाल करें और अच्छे रिजल्ट कमाए, ठीक है ना? और ये दोस्तों मेरे फार्म का आज 25 डे है और चूजे लगभग 1 किलो 500, 1 किलो 400 ऐसा आएगा एवरेज, ठीक है ना दोस्तों? 400 300 भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है ना? 100 300 400, 1 किलो 300 400 500 ऐसा आ रहा आएगा वजन। तो हम 30 डेज को एक ही बार में आप लोगों को दिखाएंगे वेट कितना होता है, सब डिटेल्स दिखाएंगे। और अरे मेरे फार्म देख पा रहे दोस्तों, ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है। और दोस्तों मेरे फार्म में आई थी सर्दी, उसका चुटकी में इलाज कर दिया मैंने। 3 दिन एंडोरफिन दे दिया, उसके बाद सिप्रोकोलाइन जो मैं आप बताया हूँ, बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। वो दे के मेरा चूजे का एकदम फ्रेशनेस आप देख पा रहे हो। और एक दिन देंगे हम उसको, उसके बाद शुरू करेंगे बूस्टर का थोड़ा सा ग्रोथ के लिए, ठीक है ना दोस्तों? और दोस्तों अगर आपके फार्म में विटामिन ई की कमी है तो भी पूर्ण कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो होती है तो मुंडी मुंडी घूर के मुंडी नीचे गिर जाता है और टान मारता है, ऐसे दिक्कत होता है, तो समझो इसको विटामिन ई की कमी है दोस्तों, ठीक है ना? तो आप सही देखभाल रखें, किसका लंगड़ापन है, किसको विटामिन ई की कमी है, किसको डाइजेस्ट प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा थोड़ा आप समझिए। फार्म के अंदर घुस के तो आप पूरा फार्म का हालचाल समझ लोगे और ठीक आप धीरे धीरे ऐसा ही करके करके सीखते रह जाओगे, ठीक है ना? और एक बार दोस्तों आपके फार्म के अंदर अगर कई छोटा मुर्गी रह जाए तो उसको उस साइड में कर दीजिए, कोई लंगड़ा रह जाए उसको भी साइड कर दीजिए, कहीं नहीं भाग रहा है तो समझो उसका कुछ बीमार, तो उसको भी साइड कर दीजिए। ऐसा मैनेजमेंट करते रहिए लास्ट अवधि, देखना आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा, मोटालिटी भी जीरो आने लगेगा, ठीक है ना दोस्तों? देख पा रहे दोस्तों चूजे, देखिए रिएक्शन देख पा रहे हैं, इसका मतलब है इसका एनर्जी भरपूर है, भागदौड़ देख पा रहे हैं दोस्तों। ऐसा आपका चूजे भाग रहे हैं समझो तो चूजे फ्रेश है भाई, चूजे को कुछ बीमारी नहीं है। इतना भागदौड़ जो चूजे करेगा उसको बीमारी समझो नहीं है। और आपके फार्म के अंदर घुसोगी तो ठीक आपको सब मालूम चल जाएगा चूजे की कुछ प्रॉब्लम। आपके फार्म के अंदर आप घुसोगे तो मालूम है, हमारे फार्म हम घुसे हैं तो हमको भी मालूम हो रहा है, तो ऐसा ही करके पता चलता है हमको भी। और जो मैं सीखता हूँ, जो मैं करके मेहनत करके मिलता है, वही मैं आप लोगों को पास शेयर करता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बजाय आपके पास आ जाए, ठीक है ना दोस्तों? और दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, 25 डे के बाद जब आप फिनिशर फीड स्टार्ट कर रहे हैं, आप पहले स्टार्ट करते हैं तो कब स्टार्ट करते हैं, तो फिनिशर देने के पहले थोड़ा सा लिवाटनिक यूज करिए, यूज कीजिए। इस ग्रोलिव कंपनी का आप दे सकते हैं, उसके लिंक भी हम इस वीडियो में दे देंगे, ठीक है ना? फिनिशर देने से देने देने के 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दीजिए, ये लिवाटनिक बहुत अच्छा है दोस्तों, ग्रोलिव 52, ठीक है ना? तो इसका लिंक डिटेल्स सब हम दे देंगे, अमेजन से मिल जाएगा, आप घर बैठे इसको मंगा सकते हैं और आपकी पल्टी की जो बीमारी है पूरा क्लियर हो जाएगी दोस्तों। और आपकी एवरेज वेट आएगा बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों? गुड मॉर्निंग का टाइम है और आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है दोस्तों? बाय, और अपना भी ध्यान रखना यार।